जैसा कि आप इस वक्त यहाँ मौके पे आए हैं देख रहे हैं इस ब्रिंग इलाके की ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम लारनू की आवाम आज सारे लोग सड़कों पे हैं। आज सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज कम से कम 3-4 हज़ार के करीब करीब लोग यहाँ इस वक्त जमा हैं और इन सब लोगों की ये डिमांड है कि इस वोट को जो है जो चोरी हो गई है इस वोट की वो बात सामने आने चाहिए। 14,208 वोट पोल हुआ था जिसमें से 12,241 वोट की काउंटिंग हो रही है और 752 वोट जो ज़ाया कर दिया है रिजेक्ट किया हुआ है। जो यहाँ की गरीब आवाम यहाँ के मेरे गुजर भाई अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने अंगूठा लगाया था उस अपने निशान पर अपने चुनाव निशान पे वो उन वोटों को भी रिजेक्ट वो कर रहे हैं जबकि किसी जगह अंगूठे वाला वोट रिजेक्ट नहीं होता है। उस वोट को सिलेक्ट किया जाता है अंगूठे वाले वोट को वो 752 वोट को रिजेक्ट कर रहे हैं और उसके अलावा 1215 वोट जो काउंटिंग में कम हो गए गायब हैं वो कहाँ हैं वो संदूकड़ियाँ ही गायब हैं। ये कौन मुलाजम था जिन्होंने ये चोरी की उस रूम के अंदर जहाँ काउंटिंग हो रही थी वहाँ पर जो PDD डिपार्टमेंट के जो मुलाजम थे वहाँ पर जो RO साहब थे उस RO साहब की मिली भगत से ये सारा का सारा प्रोग्राम हुआ। जबकि आज हमें पता चल रहा है कांग्रेस के एजेंट जो वहाँ पर काउंटिंग में थे जो एप्पल की एक जमात थी छह वाली उसके एजेंट जो थे वो हमें बता रहे हैं एक और निशान था टेबल का उनके एजेंट हमें बता रहे हैं कि जिस वक्त वोटों की काउंटिंग हो रही थी तो हमारे साइड में भी एक एक दो दो वोट आपके आ रहे थे और उस वक्त हम खुश हो रहे थे कि हमारा मीटर चढ़ रहा है मगर हकीकत में वो उन्होंने हमारे वोट सबको तकसीम किए और हमें उन्होंने हराने की कोशिश की। और टोटल अगर जो बोर्ड पे वोटों का वो दिया हुआ था पूरा उसमें अगर टोटल सही तरीके से किया जाए उसमें भी 215 वोट उस तरीके से भी हमारे बढ़ जाते हैं और इन्होंने सारा का सारा ये फ्रॉड किया है उस RO ने सब मिलकर किया है। साहब क्या वजह क्या यकीन है इंशाल्लाह रहमान यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर यहाँ के LG साहब के हमें उन तक ये बात पहुँचा दी गई है। हमें यकीन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर इलेक्शन कमीशन ऑफ J&K पर हमें पूरा भरोसा है पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान बीच में ये 2-3 छुट्टियाँ आ गई थी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह रहमान ये फैसला होकर रहेगा और ये वोटों की गिनती दोबारा होकर रहेगी। ये डिमांड है इस आवाम की कि रिकाउंटिंग हो जाए और उसमें ऐसा है कि कोई उसमें गैर जानबदार एजेंसीज
कोई रेलवे के डिपार्टमेंट के, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजम लगाए जाएं जो काउंटिंग में वहाँ बैठे, जो ऑब्जर्वर भी हों वो भी गैर जानबदार हों। यहाँ के लोग जो हैं, जो यहाँ के मुलाजम हैं, वो करप्ट हैं, वो चोर हैं। कोशिश है कि ये जिस जगह में डिस्प्यूट चल रहा है, हमने रिट पिटीशन दायर की हुई है एलजी साहब के पास भी, इलेक्शन कमीशन में भी, डीसी साहब के पास भी। ये ओथ नहीं होनी चाहिए, जब तक ये फैसला नहीं हुआ तब तक इसमें कोई ओथ नहीं होनी चाहिए। ये फैसला हो, रिकाउंटिंग हो, उसके बाद जो फैसला हो जाए हम उसके लिए तैयार हैं। 15 वोट इसमें इस हिसाब से जो इन्होंने गवर्नमेंट के आदाद और शुमार के मुताबिक हमारे पास ये पेपर पहुंचे, ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचे, इनके हिसाब से 1215 वोट इसमें गायब है।